नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कोरोना के बढ़ते मामले को देख अलर्ट मोड में काम करने की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी सलाह। अब सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वालों को मुआवजा देने की राशि सरकार ने की तय। पटना में वैक्सीन लेने वालों की एक बार फिर से बढ़ी संख्या। राजगीर के व्यवहार गिरी के जंगल में लगी आग। बिहार में तापमान में हल्की गिरावट का जारी हुआ पूर्वानुमान। अब चले बढ़ते हैं बिहार की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। कोरोना के बढ़ते मामले को देख अलर्ट मोड में काम करने की मुख्यमंत्री ने दी सलाह। बिहार में कोरोना की नई लहर देखने को मिल रही है। लगातार मामलों में हो रहे इजाफे के कारण अब सरकार भी अलर्ट मोड में काम कर रही है। इसी कड़ी में आनन फानन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बैठक बुलाई थी, जहां उन्होंने समूचे बिहार में टेस्टिंग बढ़ाने पर जोर देने की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने अस्पतालों में भी पर्याप्त व्यवस्था करने की अपील की है। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने निर्देश जारी किया है कि अगले कुछ दिनों के लिए राज्य में किसी भी प्रकार के सार्वजनिक आयोजन को पूरी तरीके से स्थगित किया जाए। मुख्यमंत्री ने जनता से भी अपील की है कि वो संक्रमण के खतरे को देखते हुए कोविड 19 संबंधित गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें तथा मास्क का प्रयोग करें। इस चूक के कारण पंचायत चुनाव में अधिकारियों पर गिर सकती है गाज। पंचायत चुनाव की तारीख का ऐलान भले ही ना हुआ हो, मगर चुनाव को लेकर अब तक कई तरह के नियमों को लागू कर दिया गया है। इसी क्रम में निर्वाचन आयोग की तरफ से पंचायत चुनाव में हिस्सा लेने वाले अधिकारियों को लेकर एक और अहम निर्देश जारी किया गया है, जिसके तहत राज्य निर्वाचन आयोग ने अब सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को जो नया दिशा निर्देश दिया है, उसमें कहा गया है कि अगर किसी वर्ग के लिए आरक्षित सीट पर दूसरे वर्ग के प्रत्याशी नामांकन करते हैं तो संबंधित अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आयोग ने आगे ये भी कहा है कि निर्वाचित पदाधिकारी इस बात को स्पष्ट करें कि उनके क्षेत्राधिकार के तहत तक कौन कौन निर्वाचन क्षेत्र वार्ड किस श्रेणी के लिए आरक्षित है। ऐसा ना हो कि आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों से अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार नामांकन भर दे। अब सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वालों को मुआवजा देने की राशि सरकार ने की तय। अब सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोग और सड़क दुर्घटना में घायल होने वाले लोगों को मिलने वाले मुआवजे की राशि को सरकार ने तय कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार परिवहन विभाग बिहार मोटर गाड़ी संशोधन 2021 तैयार कर रहा है। इस नियमावली के बाद सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वालों के परिजनों को 5 लाख और गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। परिवहन विभाग ने नियमावली का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। विभागीय वेबसाइट पर नियमावली से संबंधित आपत्ति सुझाव 30 दिनों तक दिया जा सकता है, जिसके बाद ही नियमावली लागू कर दी जाएगी। वहीं आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से सड़क दुर्घटना में 4 लाख मुआवजा राशि दी जाती है। इसके साथ ही दुर्घटना वाली गाड़ियों के बीमा होने पर संबंधित बीमा कंपनियों से मुआवजे की राशि सरकार प्राप्त करेगी। पटना में वैक्सीन लेने वालों की बढ़ी संख्या। बिहार में कोरोना के मामलों में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसके बाद से ही वैक्सीन लेने वालों की कतार भी लंबी हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को जिले में रिकॉर्ड सबसे ज्यादा लोगों ने वैक्सीन ली है। शनिवार को 20,366 लोगों ने वैक्सीन की पहली डोज ली है। इसके साथ ही 1,368 लोगों ने वैक्सीन की दूसरी डोज ली है और इसके साथ ही कुल 21,734 लोगों ने वैक्सीन ली है। स्वास्थ्य विभाग की माने तो वैक्सीनेशन का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। जिन लोगों ने वैक्सीन ली उसमें सबसे ज्यादा 45 वर्ष की आयु से अधिक लोग शामिल थे। वैक्सीन लेने में बुजुर्गों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। 45 से अधिक आयु वर्ग में सबसे ज्यादा 9,981 लोगों ने वैक्सीन की पहली डोज ली है। बिहार में अब शादी करने से पहले इन नियमों का करना होगा पालन। बिहार में शादी समारोह को लेकर भी सरकार ने अहम जानकारी साझा कर दी है, जिसके तहत अब शादी समारोह या किसी भी सार्वजनिक समारोह में हिस्सा लेने वाले व्यक्तियों की संख्या तय कर दी गई है, जिसके तहत 250 लोगों के समारोह में शामिल होने की अनुमति है। संख्या होने सख्ती होने के भय से कई शादियों की बुकिंग भी कैंसिल हो रही है। ऑल बिहार टेंट डेकोरेटर वेलफेयर एसोसिएशन के सचिव नॉलेज कुमार जिला प्रशासन और सरकार से कोविड-19 गाइडलाइन के पालन के साथ कम से कम 400 लोगों को समारोह में शामिल होने की अनुमति को लेकर पत्र लिखने वाले हैं। सरकार से मदद की उम्मीद है, मगर कोरोना के बढ़ते प्रभाव के कारण सरकार ने अब शादी समारोह में शामिल होने वालों की संख्या में कटौती कर दी है। राजगीर के व्यवहार गिरी के जंगल में लगी आग। बीते दिन राजगीर के व्यवहार गिरी के जंगल में आग लग गई थी, जिसके बाद लाखों की लकड़ी और जड़ी बूटियां जलकर राख हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन नगरी के व्यवहार गिरी पर जंगल के कुनार नगर गांव के सामने से लेकर मार्क्सवादी नगर तक 1 किलोमीटर से अधिक दूरी में आग लगी है। इसमें लाखों रुपए की बेशकीमती लकड़ियां और जड़ी बूटी जलकर राख हो गई। ग्रामीणों ने बताया है कि आग शनिवार की सुबह से ही लगी हुई है। हालांकि आग पर काबू करने की कोशिश में वन विभाग लगातार जुटा हुआ है। वहीं इस बाबत DFO डॉक्टर नेशामणि ने बताया है कि आग लगने की सूचना मिली है। वन विभाग के कर्मी लगातार इसे बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें कोई पशु हताहत नहीं हुआ है। हालांकि वन विभाग इस तरह के आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठा रहा है, यह देखना दिलचस्प होगा। बिहार
इस ईएसआई अस्पताल में फिर से शुरू होगा कोरोना का इलाज। बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में आए 800 से ज्यादा मामले ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। यही कारण है कि अब सरकार धीरे धीरे करके अस्पतालों को भी कोरोना के इलाज में लगाने का काम कर रही है, जिसके तहत ही बिहार में बिहटा स्थित कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल बिहटा में कोरोना के संक्रमित मरीजों के इलाज की व्यवस्था फिर शुरू करने का फैसला सुनाया गया है। स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव पर सहमति जताई है। जल्द ही बिहटा स्थित इस बड़े अस्पताल में कोरोना संक्रमितों का इलाज शुरू होगा। ईएसआई अस्पताल बिहटा 500 बेड का कोविड अस्पताल होगा। आपको बता दें कि इस अस्पताल को अगस्त 2020 में कोरोना काल के दौरान संक्रमितों की संख्या बढ़ने पर कोविड अस्पताल के रूप में घोषित कर इलाज शुरू किया गया था। बिहार में तापमान में हल्की गिरावट का जारी हुआ पूर्वानुमान। बिहार में मौसम ने एक बार फिर से करवट लेना शुरू कर दिया है, जिसके तहत राजधानी पटना समेत सूबे में मौसम के कड़े रुख में थोड़ी सी नरमी देखने को मिल सकती है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो पूर्व हवा का प्रवाह सूबे में बढ़ने लगा है, लिहाजा बढ़ते हुए पारे में थोड़ी गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बिहार में पूर्व हवा बहनी शुरू हुई और इसके कारण अधिकतम तापमान में कई जगहों पर गिरावट दर्ज की गई है। यही कारण है कि अगले 24 घंटों में पूर्वैया हवा का असर पूरे बिहार में दिख सकता है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक बिहार में फिलहाल बारिश का कोई सिस्टम नजर नहीं आ रहा है, इसलिए हवा के रुख में ही केवल बदलाव देखने को मिलेगा। इस बार नहीं डूबेगा पटना। मानसून के समय में राजधानी पटना के डूबने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है, जिसके तहत ही लोग एक बार फिर से इस बात को लेकर परेशान है कि कहीं पटना एक बार फिर से तो नहीं डूब जाएगा। 2 साल पहले आई बारिश में पटना की हुई हालत के बाद से लोगों के मन में यह डर सताने लगा है। हालांकि दोबारा ऐसे हालात उत्पन्न ना हो इसके लेकर पटना जिला प्रशासन के साथ नगर विकास एवं आवास विभाग और पटना नगर निगम बुडको सहित कई और विभाग के अधिकारियों ने घंटों मंथन किया। बारिश के पिछले असर और डूबने वाले इलाकों पर पूरा सर्वे करने के बाद विभाग के अधिकारी ठोस रणनीति पर काम कर रहे हैं। इस बात पर जोर दिया गया है कि तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि अगर सामान्य से 3 गुना ज्यादा भी बारिश होती है तब भी पटना और आसपास उससे नुकसान ना पहुंचे। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे बद्री नारायण सिन्हा की। बद्री नारायण सिन्हा का जन्म आज ही के दिन बिहार के दरभंगा जिले में साल 1930 को हुआ था। बद्री नारायण सिन्हा भारत के बिहार कैडर के 1952 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी थे। सिन्हा ने बिहार सरकार के उप महानिरीक्षक के रूप में दुनिया को अलविदा कहा था। सिन्हा प्रसिद्ध समाजशास्त्री पत्रकार अरविंद एन दास के उड़ युगीन और जवानकार पुलिस प्रमुख के रूप में वर्णित एक कवि आलोचक पत्रकार और जयप्रकाश नारायण के करीबी सहयोगी थे। मस्तिष्क और ईर्ष्या की अनूठी कीमियों के अलावा जो उन्होंने एक प्रशासक और पुलिस अधिकारी के रूप में प्रदर्शित की, वो एक विचारक साहित्यकार कवि एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति थे जिन्होंने रमजान के पवित्र महीने के दौरान मुस्लिमों के साथ रोटी तोड़ी जितना कि हिंदू उपवास के दौरान अभ्यास करते थे। बिहार के शिक्षा व्यवस्था में नई गड़बड़ी का हुआ खुलासा। बिहार शिक्षा व्यवस्था को लेकर हमेशा से सवालों के घेरे में रहा है, वहीं अब शिक्षा व्यवस्था में एक बार फिर से एक बड़ी गड़बड़ी सामने आई है, जिसके तहत प्रदेश के प्रारंभिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक उन शिक्षकों को भी प्रशिक्षित वेतनमान का भुगतान कर दिया गया है जिन्होंने सरकार द्वारा संचालित संवर्धन कोर्स नहीं किया है। ऐसे शिक्षकों की संख्या 10,000 से ज्यादा बताई गई है। शिक्षा विभाग ने इसे वित्तीय अनियमितता का मामला मानते हुए सभी जिलों से रिपोर्ट तलब की है और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है। इस बाबत शिक्षा विभाग ने जिलों के प्रखंड शिक्षा अधिकारियों एवं विद्यालय अवर निरीक्षक से यह रिपोर्ट देने को कहा है कि ऐसे कितने शिक्षक होंगे जिन्हें बिना संवर्धन कोर्स किए प्रशिक्षित वेतन दिया गया है। तेजस्वी की लोकप्रियता का असर अब दिखने लगा है दूसरे पार्टियों पर भी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भले ही सरकार बनाने में सफल नहीं हो पाए हो, मगर उनकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यही कारण है कि दूसरे दल के नेता भी अब राजद में अपनी रुचि दिखाने लगे हैं, जिसका प्रमाण बीते दिन देखने को मिला जब जाप के नेताओं ने बड़ी संख्या में राजद का दामन थाम लिया। हालांकि अक्सर यह फेरबदल चुनाव के समय देखने को मिलता है, लेकिन अब तेजस्वी यादव की लोकप्रियता के कारण ही विपक्षी दलों के नेता लगातार राजद के साथ शामिल हो रहे हैं। इसके पहले भी रालोसपा का एक बड़ा गुट राजद का दामन थाम चुका है। इसको लेकर राजद के प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि सामाजिक सरोकार और जनता से जुड़े मुद्दों को राष्ट्रीय जनता दल और नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव ने जितनी प्रमुखता से उठाया है उससे लोगों का भरोसा बढ़ा है। राजद नेता के साथ हुए वाक्य पर भड़के तेजस्वी, बिहार में बढ़ रहे आपराधिक मामले और कटिहार में राजद नेता की कथित रूप से जान लेने के बाद तेजस्वी यादव का गुस्सा देखने को मिल रहा है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में घर से निकलना मना है क्योंकि यहां अपराधियों का कहर है, हर तरफ लोगों की जान जा रही है और बिहार में लोगों का रहना मुश्किल हो गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जहरीली शराब की बहती बयार है, अपराध की डबल इंजन का बहार है। हां भैया, यही तो असली नीतीश कुमार है। आपको बता दें तेजस्वी का यह बयान हाल ही में राजद नेता की कथित रूप से गोली मारकर जान लेने के बाद आया है। आईपीएल पर भी मंडराया कोरोना का खतरा। आम नागरिकों के साथ साथ अब कोरोना ने आईपीएल को भी अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है, जिसकी शुरुआत 2 खिलाड़ियों से हुई है। मिली जानकारी के अनुसार वानखेड़े
स्टेडियम में 10 कर्मचारियों और इवेंट मैनेजमेंट से जुड़े 6 सदस्यों के इस घातक वायरस से पॉजिटिव होने की खबर सामने आई है। वहीं दिल्ली कैपिटल्स के ऑलराउंडर अक्षर पटेल और चेन्नई सुपर किंग्स का एक सदस्य महामारी की चपेट में आ गया है। जानकारों की माने तो नेगेटिव रिपोर्ट के साथ 28 मार्च 2021 को अक्षर पटेल मुंबई में टीम होटल में पहुंचे थे। हालांकि जांच के बाद उनकी दूसरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हालांकि बीसीसीआई को मुंबई में कोविड-19 मामलों में तेजी से बढ़ोतरी के बावजूद 10 से 25 अप्रैल के बीच शहर में आईपीएल मैच के आयोजन का भरोसा है और उसका कहना है कि इसमें कम समय में वैकल्पिक स्थल पर बायो बबल बनाना संभव नहीं होगा। अभिनेता अक्षय कुमार को हुआ कोरोना। महाराष्ट्र में कोरोना प्रभावितों की संख्या ने आम लोगों को डराना शुरू कर दिया है। वहीं कोरोना की चपेट में आए मामलों के बीच बॉलीवुड में भी कोरोना प्रभावितों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसके तहत बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अक्षय कुमार भी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। इस बात की जानकारी खुद अभिनेता ने दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा कर खुद से कोरोना संक्रमित होने के बारे में बताया है। अक्षय कुमार ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर एक नोट साझा किया। इस नोट में उन्होंने बताया कि रविवार को वो कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। साथ ही अभिनेता ने अपने करीबियों को भी कोरोना की जांच करवाने की अपील की है, तो बीते कुछ दिनों में उनके संपर्क में आए हैं। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार बिहार में स्कूल कॉलेज बंद करने का फैसला बिहार सरकार का ही है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।